नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा से निकाली जा रही भाजपा की परिवर्तन यात्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल नहीं होने पर कसा तंज। कहा, जिस यात्रा की शुरुआत ऐसी है उसका अंत कैसा होगा। यात्री ट्रेनों के रद्द और लेट लतीफी के विरोध में दुर्ग में कांग्रेस जनों ने चलाया रेल रोको अभियान। दुर्ग रेलवे स्टेशन में कोयले से भरी मालगाड़ी को आधे घंटे तक रोककर किया प्रदर्शन। और दुर्ग के गुजराती धर्मशाला में किया गया जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। शिविर में पहुंचे 1500 लोगों ने उठाया स्वास्थ्य शिविर का लाभ। अब खबरें विस्तार से। भाजपा की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के शामिल नहीं होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस यात्रा की शुरुआत ऐसी है उसका अंत कैसा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अमित शाह का छत्तीसगढ़ में अनुभव ठीक नहीं है, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत ही खराब हो गई। शाह की दुर्ग की रैली फ्लॉप रही, आरोप पत्र जारी करने पहुंचे तो लोग ही नहीं आए और हाल खाली था। अब बस्तर में भीड़ नहीं आने की सूचना मिलने पर दौरा ही रद्द कर दिए। इसकी शुरुआत का क्या हश्र हुआ सब देख रहे हैं। आज एक बड़ी सौगात दी आपने अहमदाबाद। नवा रायपुर के लिए आज ऐतिहासिक दिन। एक तरफ जहां मंडी बोर्ड के भवन का लोकार्पण हुआ जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से रखा गया, वहीं कृषि भवन का भी शिलान्यास रखा गया। और आज व्यापारियों के लिए होलसेल मार्केट जो पूरे देश का सबसे बड़ा होगा, लगभग 1100 एकड़ में मार्केट बनेगा और उसके साथ एरो सिटी और शहीद स्मारक का भी शिलान्यास हुआ है। तो आज बड़े काम हुए हैं और ये होलसेल मार्केट तो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हो गया व्यापार व्यवसाय के लिए। वैसे हमारा जो रायपुर है, छत्तीसगढ़ है, वो उड़ीसा, आधा उड़ीसा का व्यापार तो यहीं से होता है। लेकिन ये जो मार्केट बनेगा, और चूंकि ये रेलवे लाइन से भी नजदीक है, एयरपोर्ट से भी नजदीक है और भारतमाला परियोजना बन रहा है उसके भी ये करीब है, ये 7 राज्यों के व्यापार को ये प्रभावित करेगा और यहाँ से तब समाज जाएंगे, लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। गृहमंत्री का दौरा चल गया है तो शुरुआत ही उनके जो परिवर्तन यात्रा जो निकाल रहे हैं उसकी शुरुआत ही परिवर्तन खराब हो गया है ना, शुरुआत ही बेकार गया है। तो उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? अरुण चौकी बैनर पोस्टर में आई थी जिसमें रमन सिंह आ गया था, बैनर पोस्टर में अरुण तो आ गया। भाई 27% आरक्षण देने के बाद पिछड़े वर्ग के लोग लगातार मांग कर रहे हैं। विधानसभा से हमने 32, 13, 27 और 4% के हिसाब से 76% हमने आरक्षण विधानसभा में पारित किया और अभी तक राजभवन में अटका हुआ है। फोटो लगा देने से क्या होता है, उनको लाभ मिल रहा है क्या, बल्कि उसका तो नुकसान होगा। भाई अमित शाह जी पहले आए थे, दुर्ग का कार्यक्रम उनका फ्लॉप रहा, उसके बाद आए जब आरोप पत्र लगाने तो हाल खाली था। आज जब वो दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा के लिए आए, उसको हरी झंडी दिखानी थी, वहां पता चला कि भीड़ ही नहीं आ रही है तो अपना दौरा ही स्थगित कर दिए। तो अमित शाह जी का अनुभव छत्तीसगढ़ के लिए ठीक नहीं है। मंगलवार को दंतेवाड़ा से प्रारंभ हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की तथा कथित परिवर्तन यात्रा को जनता ने शुरू होने के पहले ही नकार दिया। भीड़ नहीं जुटी इसलिए अमित शाह परिवर्तन यात्रा में बस्तर नहीं आए। अमित शाह के कार्यक्रम में पहले भी भीड़ नहीं जुटी थी। कार्यक्रम में भीड़ नहीं आने के कारण नाराज अमित शाह ने ओम माथुर रमन सिंह अरुण साव को फटकार लगाने दिल्ली बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी किस बात की परिवर्तन यात्रा निकाल रही है? परिवर्तन यात्रा मई 2013 में जो स्वर्गीय नंद कुमार पटेल ने शुरू किया था उसकी परिणति दिसंबर 2018 में हो चुकी। छत्तीसगढ़ के में आमोल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आ चुका है तभी तो 15 साल तक छत्तीसगढ़ की अस्मिता को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ महतारी के वैभव को भूलने वाली भारतीय जनता पार्टी
अपने परिवर्तन रथ में मजबूर हो गई कि छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाए। ये परिवर्तन ही तो है। रमनदाद में किसानों को उनकी उपज की पूरी कीमत नहीं मिलती थी, वादा किया जाता था 2100 देंगे, 300 बोनस देंगे, लेकिन नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ का किसान 2640 रुपए अपने उपज की कीमत प्राप्त कर रहा है। ये हालात में परिवर्तन हुए हैं, तभी तो ऐसी स्थिति बनी है। भाजपा किस बात का परिवर्तन चाहती है? छत्तीसगढ़ का किसान कर्जा मुक्त हो गया है, इसमें परिवर्तन चाहती है, या छत्तीसगढ़ का किसान देश में अपनी फसल की सबसे ज्यादा कीमत चाहता है, इस बात का परिवर्तन चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को, छत्तीसगढ़ की जनता को इस बात का जवाब देना चाहिए। भाजपा के राज में छत्तीसगढ़ में लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर थे। हमारा जल, हमारा जमीन, हमारी पानी, हमारा कोयला, उसके बाद भी हमारे लोग देश में सबसे महंगी बिजली छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खरीदते थे। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 400 यूनिट तक बिजली के दाम आधा हुए हैं। 42 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है। 4000 करोड़ रुपए लोगों के जेब में सस्ती बिजली के कारण लोगों की बचत हुई है। यह परिवर्तन से ही संभव हुआ है। भाजपा के काल में मात्र 7 वनोपज खरीदे जाते थे। आज कांग्रेस के राज में वनोपज संग्राहकों के 65 से अधिक वनोपज खरीदे जा रहे हैं। देश का 75% वनोपज छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदती है। यही परिवर्तन देखा था स्वर्गीय नंद कुमार पटेल ने सपना, आज वह साकार हो रहा है। भाजपा के राज में निरपराध अपराधियों को जेल में ठूसा जाता था। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उनको छोड़ने के लिए जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। 1300 से अधिक आदिवासियों को छोड़ा गया। ऐसी छोटी छोटी धाराओं में आदिवासियों को जेल के अंदर छूट के रखा गया था, जिसमें सजा मिल जाती तो उनकी सजा पूरी होने के बाद छूट जाते, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट भी नहीं दाखिल किया गया था। उनकी रिहाई का मार्ग प्रशस्त हुआ। लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का जो सपना स्वर्गीय नंद कुमार पटेल, स्वर्गीय महेंद्र कर्मा, स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल जैसे नेताओं ने देखा था, अंततः वह परिवर्तन अब साकार हो चुका है। परिवर्तन हुआ है कि आज गरीब आदमी भी छत्तीसगढ़ का अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, मुफ्त शिक्षा देने का सपना साकार कर रहा है। 700 से अधिक स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले हैं। यही परिवर्तन तो लोग चाहते थे। रमनदाद में लोगों की जबरिया जमीनें अधिग्रहित की जाती थी सरकार के द्वारा। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 1700 से अधिक आदिवासियों की 4000 एकड़ से अधिक जमीनें वापस की गई। भाजपा के राज में 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार संस्कृति को भुला दिया गया था। भूपेश राज में हालात बदल गए। अब तीजा, पोरा, होली, आदिवासी दिवस, माता कर्मा जयंती मनाना शुरू हुआ है। आदिवासी पदक सम्मान निधि से स्थानीय मान्यताओं को संवारा जा रहा है। भाजपा राज में माता कौशल्या को भुला दिया गया था। भगवान श्री राम के पावन मार्गों को भुला दिया गया था। कांग्रेस की सरकार उसको संवार रही है। लोग इसी परिवर्तन को जो चाहते थे। रमन राज में नक्सलवादी छत्तीसगढ़ की राजधानी तक पहुंच गए थे। रायपुर तक नक्सलवादियों की धमक हो गई थी। आज नक्सली गतिविधियों में 80% तक की कमी आई है। जो छत्तीसगढ़ 15 साल तक नक्सलगढ़ के नाम से विख्यात था, आज वह छत्तीसगढ़ धान के कटोरे के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, अपनी सांस्कृतिक रूप से पहचान बना चुका है। यही परिवर्तन तो चाहते थे हमारे पूर्व के। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनके पास में इंटेलिजेंस इनपुट आता है। उन्हें पता लगा कि जो परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से निकलने वाली है उसमें भीड़ नहीं एकत्रित हो रही है, इसलिए उन्होंने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए अपने आने के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। दरअसल अमित शाह जी इसके पहले भी जब छत्तीसगढ़ आए थे तो यहाँ पे उन्होंने 2 कार्यक्रम किया था। दोनों ही कार्यक्रमों से जनता ने अपनी दूरी बना के रखी। एक कार्यक्रम था जो इंडोर कार्यक्रम था, पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में, जहाँ पे उनके द्वारा हमारी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लॉन्च करने थे। उस कार्यक्रम में भी बमुश्किल से 200-300 लोग इकट्ठे हुए थे। अमित शाह जी 10:30 बजे लॉन्च करने वाले थे उस कार्यक्रम को, बकायदा फुल पेज का विज्ञापन छपवाए थे। अंततः 12:15 बजे तक भीड़ इकट्ठा होने का इंतजार करते रहे, लोग नहीं आए। अमित शाह जी मजबूरी में आधे से भी कम भरे हुए हाल में 200-300 लोगों के बीच में अपना तथाकथित आरोप पत्र को लॉन्च कर पाए। उसके बाद अमित शाह जी सराई पाली में गए थे सभा करने के लिए, वहाँ भी भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से 2-4 हजार आदमी एकत्रित करके लाके इज्जत बचानी पड़ी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। दुर्ग राजीव भवन पहुँचे लोकसभा पर्यवेक्षक ने कांग्रेस पदाधिकारियों से की चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रक्रियाएं तेज हो चुकी हैं।
इसी कड़ी में लोकसभा पर्यवेक्षक इंद्रदत्त लखनपाल दुर्ग पहुंचे, कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चर्चा की। इस दौरान दुर्ग के पार्टी कार्यालय राजीव भवन में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों और विधानसभा चुनाव के दावेदारों ने उनसे मुलाकात की। वहीं दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के तमाम पदाधिकारियों ने उनसे मिलकर क्षेत्र विशेष के राजनीतिक हालातों की जानकारी दी। इसके साथ ही वे दो दिन बाद 15 तारीख को भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र और वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और दावेदारों से मुलाकात करेंगे। वहीं इस तरह से दौरे से मिल रही जानकारी के अनुसार ऐसी जानकारी है कि इन बैठकों और चर्चाओं के बाद चारों विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों की सूची तैयार कर ली जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार की रीति नीति से आक्रोशित कांग्रेसियों ने यात्री ट्रेनों के रद्द और लेट लतीफी के विरोध में रेल रोको अभियान चलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी करीब आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक कोयला गाड़ी को रोक जमकर नारेबाजी की। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा केंद्र की मोदी सरकार की रीति नीति से आक्रोश कांग्रेसियों ने यात्री ट्रेन के रद्द और लेट लतीफी के विरोध में रेल रोको अभियान चलाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बुधवार को दुर्ग के रेलवे स्टेशन में कांग्रेसियों ने अपना आक्रोश दिखाया, जिसके चलते दुर्ग के प्लेटफार्म नंबर 2 पर आई मालगाड़ी की पटरी पर बैठ करीब आधे घंटे से भी ज्यादा समय तक कोयला गाड़ी को रोककर जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से किए गए ऐलान के तहत आज रेलवे स्टेशन दुर्ग में सैकड़ों की संख्या में जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे और रेल पटरी पर बैठकर रेल रोको आंदोलन के आगाज को अंजाम दिया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। बड़ी संख्या में दुर्ग पुलिस और RPF के जवानों की तैनाती की गई थी। ग्रैंड एशियन न्यूज से नसीम फारूकी ने दुर्ग विधायक अरुण वोरा और कांग्रेस पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से चर्चा की। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश का वातावरण बना हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने के जो सरकारी संस्थान थे उनका प्राइवेटाइजेशन करने का काम मोदी सरकार कर रही है। यहाँ तक रेल विभाग का भी निजीकरण करने का कार्य इनका प्रारंभ हो गया है, अडानी के हाथ सौंप सके ताकि अडानी जी को इसका फायदा मिल सके। और आप देख रहे हैं कि कोरोना काल से लेकर आज तक ट्रेन बंद है, लोग कुछ ट्रेन आ रही है वो भी अनियमित है, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सस्ता सरल सुगम अगर कोई साधन है आम आदमी के लिए तो वो ट्रेन है, उसको भी बंद करने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हैं और उन्होंने अपने स्वयं के संसाधन के आधार पर प्रदेश में 5 वर्ष तक सरकार चलाई है। केंद्र सरकार ने एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि रेल का परिचालन होना चाहिए लेकिन केंद्र की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई रही, उसको जगाने के लिए आज पूरे प्रदेश में यह आंदोलन किया जा रहा है। ट्रेन विरोधी जो नीतियां हैं जिसके तहत यात्री ट्रेनों का परिचालन अनावश्यक रूप से बंद किया जा रहा है, बाधित किया जा रहा है, बहुत ही यात्रियों को परेशानी हो रहा है और वो भी गरीब यात्रियों को परेशानी हो रहा है केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के कारण, जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में रेल रोको आंदोलन का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया है। आगे हम लोग हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर आगे इस प्रकार की यदि कोई भी कार्रवाई होगी तो उसका हम सब विरोध करते रहेंगे। हम लोगों ने जो रेल आंदोलन किया था हम लोग बहुत सफल रहे, पूरे कांग्रेसी लोग एकजुट होकर के यहाँ पर एकत्रित हुए, जनता भी हमारे साथ में। मोदी सरकार की जो कथनियों करनी में बहुत अंतर है क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और आज उन्होंने जिस तरह के एक माफिया चलाया है कि जो कोयला के माध्यम से जो अडानी और अंबानी को फायदा दिलाना चाह रहे हैं, आज जनता के बीच में ये महसूस होने लगा है कि हम लोग
इस सरकार को अब हटाना है, क्योंकि सरकार हमारे लिए लाभान्वित नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब भी रही है लोगों को फायदा दिलाती रही है। मैं मोदी जी से इतना ही कहना चाहूँगी कि आप कोयला माफिया करने के चक्कर में ट्रेनों को क्यों रद्द करते जा रहे हैं और लोगों को क्यों त्राही त्राही मचा रहे हैं। मैं पुनः कहूँगी कि कोयले की खरीदी फरोख्त के लिए आप जो अडानी को फायदा दे रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा दे रहे हैं, तो आप कुछ गरीब वर्गों के लिए भी सोचें। छत्तीसगढ़ में रेल रोको आंदोलन के आह्वान पर दुर्ग रेलवे स्टेशन पहुँच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक मालगाड़ी को रोक सांकेतिक विरोध जताया। दोपहर 12 बजे के बाद दुर्ग स्टेशन पहुंचे कांग्रेसियों ने रेलवे प्रशासन और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं महामंत्री राजेंद्र साहू ने बताया कि कांग्रेस सरकार हवाई अड्डे लौह कारखानों को निजी हाथों में सौंपने के बाद अब रेलवे को बेचने का षड्यंत्र कर रही है। नतीजतन सभी यात्री गाड़ी या तो विलम्ब से चल रही है या रद्द किया जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है सभी प्रकार के उपक्रमों को, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम किया जा रहा है। रेलवे बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, लो संयंत्र बेच रहे हैं, ऐसे बहुत से उपक्रम हैं। ये सब बिकने का कारोबार पे है। और वहीं जो यात्री ट्रेनें हैं उसको या तो रद्द किया जा रहा है या विलम्ब से चल रही है। वहीं दूसरी ओर अडानी के जो मालगाड़ी है वो लगातार अनवरत चल रही है। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। एक और जहां कांग्रेस सरकार में त्योहार के समय विशेष ट्रेन लगाया जाता था, स्पेशल ट्रेन लगाई जाती थी नवरात्रि के समय और रक्षाबंधन के समय, दिवाली के समय, होली के समय, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा यात्री गाड़ियों को रद्द किया जाता है त्योहार के समय। हमारे निम्न और मध्यम वर्ग के लोग जो रेल यातायात को सुगम और सस्ता समझते हैं उनको व्यवधान पैदा कर रहे हैं, ताकि लोगों का विश्वास यात्री या रेलवे से उठ जाए और रेलवे को अपने मित्र को अडानी अंबानी को बेच सके। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा मांग है कि देश में, पूरे देश में ट्रेन सही समय पे चले और यात्री गाड़ी जो रद्द हो रही है उसको न रद्द किया जाए बल्कि मालगाड़ी को रोका जाए। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष श्री मनीष पांडे जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विनीत प्रशांत मिश्रा, युवा नेता, भारतीय जनता पार्टी। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्तरोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध।
पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरूनगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 10। के बाद आप सभी का स्वागत है। सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर भव्यता से छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव समिति एवं जनसेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में भगवान गणेश उत्सव पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। समिति द्वारा यहां व्यापक तैयारियां की जा रही है। गणेश पंडाल को विशेष रूप से सजाया जा रहा है। गणेश पंडाल में स्थापित भगवान गणेश की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र होगी। समिति द्वारा गणेश उत्सव पर्व को लेकर इस तरह की जानकारी दी गई। नमस्कार, मैं सामदेव साहू, छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश जनसेवा समिति का संरक्षक हूँ। हमारे द्वारा ये पूजा का ये दूसरा वर्ष है और ये हम पूजा बहुत भव्य तरीके से करना चाह रहे हैं। इसके लिए हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं और समय से पहले हम चाहते हैं कि हमारा ये पंडाल है तैयार हो जाए। अब खास तो ऐसा भिलाईवासियों के लिए कोई खास नहीं है, क्योंकि हम लोग तो आज से नहीं, जब से मेला लगते हुए कम से 10 से 15 साल से तब से देखते हुए आ रहे हैं और जो नया रहता है वो हम लाने का प्रयास करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था ऐसा ही की जाएगी कि उनको किसी प्रकार की परेशानी मत हो,
हम लोग चाहते हैं कि पानी का भी व्यवस्था करें, क्योंकि पानी की भी नहीं उनको नहीं मिल पाता, शौचालय की व्यवस्था करना चाहते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि कम से कम हमको एक शौचालय के लिए एक जगह मिल जाए, जिससे क्या है श्रद्धालु आते हैं तो उनको इधर उधर भटकना पड़ेगा। नहीं, हम लोग ने बात नहीं किया, लेकिन हम लोग ने अपने पार्षद हैं यहाँ के सुभद्र सिंह, उनसे बात किए थे कि हम लोग को एक शौचालय की ज़रूरत है, तो उन्होंने बोला था कि करेंगे करके, और समय आ गया है तो अभी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट समय में ऐसा हो जाए करके। आरती का समय सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। से गणेश भगवान से ये कामना करते हैं कि भगवान जो हमारी जो परेशानी है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे भिलाई के वासी हैं, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, भारत के वासी हैं, उन सबकी परेशानी दूर हो जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, बस सबका साथ रहे और भय का वातावरण मत रहे। सभी आयु वर्ग के लोगों का बहरापन दूर करने की अत्याधुनिक मशीन RKENT हॉस्पिटल सुपेला में उपलब्ध है। बहरेपन की समस्या से जूझ रहे सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा इसका लाभ उठाया जा रहा है। अंचल के प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर रतन तिवारी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब डॉक्टर रतन तिवारी द्वारा अपने सुपेला स्थित RKENT हॉस्पिटल में बहरेपन की समस्या को दूर करने अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं, जो विभिन्न रेंजों में उपलब्ध हैं। बहरेपन की समस्या से जूझ रहे अनेकों मरीज इस मशीन का लाभ उठाने प्रतिदिन दूर दराज के क्षेत्रों से डॉक्टर रतन तिवारी के अस्पताल पहुँच रहे हैं। यहाँ डॉक्टर रतन तिवारी द्वारा अस्पताल में मौजूद अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों की मदद से मरीजों की जांच और उपचार कर उन्हें बहरेपन की समस्या को दूर करने मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी आयु वर्ग के लोग जो बहरेपन की समस्या से पीड़ित हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं। बहरापन होने के कारणों, इसके उपचार और मशीन की उपयोगिता को लेकर डॉक्टर रतन तिवारी ने जानकारी दी। देखिए, ऐसा है कि यदि किसी भी मरीज को सुनाई में कमी है, तो सुनाई में कमी के मुख्य रूप से 4 कारण रहते हैं। या तो पर्दे में कुछ खराबी हो, छेद हो, या कान के अंदर सुनाई की छोटी छोटी हड्डियां हैं वो आपस में चिपक गई हो, और मुख्य रूप से यह यदि उम्र के हिसाब से कान के सुनाई का यंत्र जिसको कॉकलिया कहते हैं उसमें कुछ खराबी हो, या सुनाई की नस जिसे कॉकलियर नर्व कहते हैं जो दिमाग के अंदर जाती है उसमें कुछ खराबी हो। आमतौर पर यदि पर्दे में छेद है तो वो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है और सुनाई वापस आ जाता है, यदि कॉकलिया और जो सुनाई की नस है वो ठीक हो तो। यदि कान के अंदर की हड्डियों में कुछ खराबी हो वो भी ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। कभी कभी पिस्टन इम्प्लांट करते हैं उससे सुनाई आ जाता है। किंतु यदि कान का जो सुनाई का यंत्र है जिसको कि इनर ईयर में कॉकलिया बोलते हैं या कॉकलियर नर्व बोलते हैं जो कॉकलियो को ब्रेन से जोड़ती है, उसमें यदि कुछ खराबी हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे आजकल ये जो DJ-VJ बहुत ज़्यादा लोग सुनने लग गए हैं उसकी वजह से हो या उम्र की वजह से हो, DJ और ये जो हाई साउंड है इससे तो बहुत कम उम्र में भी बच्चों का या इवन जवान लोगों का कॉकलिया खराब हो जाता है, सुनाई की नस डैमेज हो जाती है, तो उनको भी मशीन लगाने की आवश्यकता पड़ती है। और यदि उम्र के हिसाब से भी कॉकलिया या सुनाई का यंत्र कुछ खराब हो गया हो, नस खराब हो गई हो, तो सुनाई के लिए मशीन की आवश्यकता पड़ती है। सुनाई की मशीन लगाने के पहले हमेशा जो है वो मरीज को कान के विशेषज्ञ के पास जाकर अपने सुनाई की जांच, जिसको कि ऑडियोमेट्री बोलते हैं, वो करवाना चाहिए। ऑडियोमेट्री के हिसाब से विभिन्न अलग अलग प्रकार की मशीनें लगाई जाती हैं जिससे वो अच्छे से उनको प्रॉपरली ठीक से सुनाई आ सके। मुख्य रूप से 3 प्रकार की मशीनें आती हैं। एक तो बॉडी टाइप की रहती है जिसमें कि ऐसा एक मशीन रहती है, ये तार से ये रिसीवर कान में लगता है, तो इसको बॉडी टाइप की मशीन कहते हैं। और ये सस्ती आती है, 2,500-3,000 से शुरू होती है, 5,500-5,000 तक आती है। तो इसमें एक पार्ट का एक ये शर्ट में लगाया जाता है और एक पार्ट कान के नली में रिसीवर लगाया जाता है, तो एक ऐसी मशीन आती है। दूसरी फिर कहा जाता है बिहाइंड द ईयर लगती है, कान के पीछे लगती है, तो इसका ये वाला पार्ट जैसा कि फ़ोटो में आपको पहले वीडियो में बताएं कान के पीछे लगता है, और ये वाला पार्ट कान के नली के अंदर लग जाता है। तो ये कॉर्डलेस मशीन रहती है,
और इससे तार वार इसमें कुछ नहीं रहता है, तो मरीजों को कम असुविधा होती है। तीसरे प्रकार की जो लेटेस्ट मशीनें आती हैं वो इस तरह की आती हैं जिनको कि CIC बोलते हैं, कंप्लीट इनसाइड द कैनाल। तो ये मशीन कान के नली में डायरेक्ट फिट हो जाती है। कंप्यूटर से इनका कितना ऑडियोमेट्री है, कितना लॉस है, उसके हिसाब से इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है जिससे कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का साउंड मरीज़ के कान में पहुंचे और उसको अच्छे सुनाई का आभास। इसमें बैटरी वाली भी आती है जिसमें छोटी बैटरी लगती है और चार्जेबल भी आती है। चार्जेबल थोड़ा सा महंगी रहती है, बैटरी वाली जो मशीन है वो थोड़ा सा सस्ती रहती है। गौरतलब है कि प्रसिद्ध कान नाक गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रतन तिवारी के पास कान नाक गला रोग से संबंधित उपचार कराने दुर्ग जिला ही नहीं अपितु छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से भी लोग पहुंचते हैं। यहां आए मरीजों का अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों की मदद से उपचार और ऑपरेशन किया जाता है। यही कारण है कि सुपेला स्थित डॉक्टर रतन तिवारी के ENT हॉस्पिटल में कान नाक गला रोग से पीड़ित मरीजों की लंबी लाइन प्रतिदिन देखने को मिलती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी महती कृपा से 13 पंथ समाज दुर्ग को पर्युषण पर्व की सम्यक आराधना के लिए वरिष्ठ उपासिका डॉक्टर श्रीमती वीर बाला छाडेजा उज्जैन एवं उपासिका श्रीमती साधना कोठारी इंदौर का सानिध्य प्राप्त हुआ। जैन भवन महावीर कॉलोनी में 12 से 19 सितंबर तक पर्युषण पर्वाराधना के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। बुधवार को आयोजन का दूसरा दिन था। स्वाध्याय दिवस के अवसर पर धर्मसभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ उपासिका डॉक्टर श्रीमती वीर बाला छाजे ने अरे इंसान एक दिन करना है तुझे प्रयाण गीतिका के माध्यम से स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया। आपने तीर्थकर भगवान ऋषभ चरित्र का तार्किक वाचन करते हुए जीवन में समन्वयक दृष्टि का महत्व प्रतिपादित किया। स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षय होता है। ज्ञान पर आए आवरण को हटाने के लिए स्वाध्याय की प्रवृत्ति आवश्यक होती है। इस बारे में विस्तार से वर्णन करते हुए उपासिका श्रीमती साधना कोठारी ने स्वाध्याय दिवस पर अपने वक्तव्य से सभी को लाभान्वित किया। आपने जम्बू स्वामी के जीवन चरित्र का बड़े रोचक ढंग से वाचन किया, साथ ही उन्होंने जैन विद्या परीक्षा में सम्मिलित होने की प्रेरणा प्रदान की। 13 पंथ महिला मंडल की श्रीमती नीता रोशनी बर्मेचा ने करो सदा स्वाध्याय गीतिका का संगान के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दी। वरिष्ठ श्रावक श्राविकाओं सहित समाज के युवा वर्ग ने प्रवचन का लाभ लिया। बड़ी संख्या में समाज के लोग यहां पर शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। घोषणा नहीं गारंटी। जी हां, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी। 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए महीने। छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार SK अग्रवाल। टेंशन ना लो, शिवाल है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से
गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश, स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के गुजराती धर्मशाला में जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1500 से अधिक लोगों ने पहुंच शिविर का लाभ उठाया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में संचालित आयुष छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार जिला आयुर्वेद अधिकारी के मार्गदर्शन में एक दिवसीय जिला स्तरीय निःशुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य मेले का आयोजन दुर्ग के गुजराती धर्मशाला में किया गया, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा एवं औषधि का भी वितरण किया गया। इसी कड़ी में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. GP तिवारी, प्रभारी डॉ. शैलेन्द्र सिंह ठाकुर तथा नोडल अधिकारी
डॉक्टर लक्ष्मी मारकंडे ने बताया कि स्वास्थ्य मेले में विशेष रूप से शिव तांडव आर्टिस्ट योगा का प्रदर्शन किया गया तथा हिजामा कपिंग थेरेपी का प्रदर्शन किया गया। साथ ही अन्य प्रदर्शनी में आयुर्वेद औषधि पौधों का पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का भी प्रदर्शन किया गया तथा धान्य पानक का भी वितरण किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक अरुण वोरा की अध्यक्षता में महापौर नीरज बाकलीवाल और विशेष अतिथि प्रतिमा चंद्राकर आर एन वर्मा उपाध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सहित अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिविर में 20 चिकित्सक और 22 कर्मचारियों के सहयोग से कुल 1554 हितग्राही लाभान्वित हुए, जिसमें 82 रक्त परीक्षण और 28 लोगों का नेत्र परीक्षण भी किया गया। वहीं स्वास्थ्य मेले में मंच संचालन डॉक्टर नम्रता यादव और डॉक्टर रामस्वरूप मरकाम आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया। ये हमारा जिला स्तरीय एक दिवसीय आयु स्वास्थ्य शिविर है। यह संचालन के निर्देशन पर ये आयोजित किया गया है। कलेक्टर महोदय इसके संरक्षक हैं और प्रतिवर्ष ये जिले में एक जिला स्तरीय निःशुल्क शिविर आयोजित किया जाता है और अभी तक हम लोग 1144 पेशेंट देखे जा चुके हैं और जिसमें 110 जो है ना ब्लड टेस्ट और नेत्र परीक्षण का भी है। यदि अलग अलग बोलें तो यूनानी में 132, होम्योपैथी में 202, आयुर्वेद में 810 पेशेंट देखे गए हैं अभी तक, तथा क्रमशः पेशेंटों का आना लगातार जारी है। इस बीच में एक्चुअल में क्या थोड़ा पानी गिर गया, इसलिए थोड़ा सा रफ्तार अपनी कम हो गई है, तो संभव कि हमारे पास अभी लगभग 1.5 घंटे का समय है, तो हम लोग कम से कम 200 पेशेंट तो इस बीच में और आने की संभावना मानते हैं। जो है एक आयुर्वेद मेडिसिन जो होती है उसको पेशेंट के सिर पे बूंद बूंद करके टपकाया जाता है, या अनिद्रा हो गए, शिरोरोग हो गए, शिरशूल हो गए, माइग्रेन का प्रॉब्लम है जिनको, जितने भी जीर्ण शिरोरोग होते हैं उन सब में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। मानसिक रोगों में भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। 70-80% इसका फ़ायदा मिलता है इस पद्धति का, और साथ में फिर मौखिक रूप से भी इनको औषधि का सेवन कराया जाता है। भी वनौषधियाँ है और जैसे कफ रोग, वात रोग, पित्त रोग, जैसे ये पिपली आप देख रहे हैं, ये पौधा पिपली, ये कफ रोगों में बहुत अच्छा कार्य करता है। हम आयुर्वेद में जो त्रिकटु चूर्ण बनता है उसमें सौंफ, पिपली और काली मिर्च, ये तीनों रहते हैं, तो उसमें प्रमुख द्रव्य पिपली का भी होता है। बाकी ये जो ब्राह्मी है और ये इधर चंदन है, सर्पगंधा है, विशेष अलग अलग रोगों में सभी का उपयोग होता है। और इस प्रकार से बहुत सारे जो औषधि है, ऐसा कहा गया है जगत तैव वनौषधि, माने कोई भी ऐसा वनौषधि नहीं है कि जो हमारे उपयोग में नहीं है। हम उसके बारे में जानना चाहिए, उस पौधे को जाके पहचानना चाहिए और उसका उपयोग हमें ज़रूर करना चाहिए, अपने आंगन में लगाना चाहिए। और केमिकल से बनी हुई जो दवाइयाँ है वो खाने से हमें बच के ये खा लेना चाहिए। जैसे तुलसी का पौधा हमारे आंगन में रहता है, उसका रस निकाल के हम खांसी सर्दी इसके लिए उपयोग तो करते ही है, इसी प्रकार से हम इसी लोगों इस वनौषधियों का उपयोग अगर अच्छे से करेंगे तो बीमारियों से जरूर दूर रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का रक्षण करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी। नंदिनी रोड का सौंदर्यीकरण के लिए सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान सड़क निर्माण कंपनी द्वारा पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन को तोड़े जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। सड़क निर्माण कार्य के दौरान मापदंडों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, निगम अधिकारियों द्वारा कार्यों की मॉनिटरिंग भी नहीं की जा रही है, जिससे ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा मनमाने ढंग से खुदाई कार्य को किया जा रहा है। इसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ठेकेदार के कर्मचारियों ने सड़क खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन को फोड़ दिया, जिससे क्षेत्र की जल सप्लाई प्रभावित हो गई और लोग पानी के लिए परेशान रहे। इसकी जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता सुमन शील ने दी। लाई नगर निगम क्षेत्र जो कि पावर हाउस से लेकर एसीसी चौक तक के विकास के लिए करोड़ों रुपए का एक बजट बनाया गया है, और उस बजट के तहत में नंदिनी रोड जो कि मुख्य रूप से जो नंदी रोड की जो सड़क है उसकी चौड़ीकरण के अलावा सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। परंतु वर्तमान में आप देखेंगे जो कि 3 करोड़ से अधिक रुपए का एक बजट बनाया गया है, परंतु बिना मापदंड के, बिना कोई व्यवस्थापित किए बगैर नगर निगम के द्वारा जिस तरह से कार्य को किया जा रहा है उससे यहाँ के स्थानीय व्यापारी से लेकर यहाँ के स्थानीय लोग भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जो रोड को चौड़ीकरण किया जा रहा है उसमें पानी के लिए जो पाइपलाइन बिछाया हुआ था उसे बिना व्यवस्थित किए बगैर पाइपलाइन को उखाड़ के फेंकने का कार्य किया जा रहा है। वही साइड में जो स्ट्रीट लाइटें की पोल लगेंगे
उन पोल को भी आप देख सकते हैं, बिना व्यवस्थित किए बगैर उस पोल के साइड से इस कार्य को प्रारंभ करना प्रारंभ कर दिया है। परंतु कुछ महीनों को उपरांत जो कि बरसात रहता है, विभिन्न प्रकार के रहता है, जो कि दुकानों के सामने जो नाली बनी है उसका मापदंड भी देखने को नहीं मिल रहा। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि ठेकेदार के द्वारा अपने मनमानी से यहाँ कार्य चल रहा है, ना कोई कोई बड़े उच्च अधिकारी इस कार्य को देख सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल का भी इस्तेमाल हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं इस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल, जहाँ की करोड़ों रुपए भिलाई नगर निगम को देने का कार्य राज्य शासन के द्वारा किया गया है, परंतु अभी तक जिस तरह से कार्य आप चल रहा है, जहाँ कार्य के बगैर केवल पैसे की बर्बादी हो रही है और लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और जन समस्याओं से जूझने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जबकि नाली का जो पाइपलाइन जो है इसके उपरांत फिर से इन्हें पाइपलाइन के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा और फिर करोड़ों रुपए की बर्बादी होगी। इस पर जल्द ही कोई अगर कार्य ध्यान देने का कार्य जिले प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है तो ऐसे चीज़ों को लेकर न्यायालय में इसकी शिकायत की जाएगी और उच्च अधिकारियों की इसकी जानकारी दी जाएगी। सड़क निर्माण कंपनी द्वारा कार्य मनमाने तरीके से कराए जा रहे हैं, बिजली खंभों को भी शिफ्ट किए बगैर तथा पानी पाइपलाइन को व्यवस्थित किए बगैर पानी पाइपलाइन को तोड़ दिया गया। पाइपलाइन के फूटने से लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंचा, वहीं खुदाई के दौरान बिजली के खंभों को भी शिफ्ट नहीं किया गया है, साथ ही लापरवाही पूर्वक कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रदेश के लगभग हर जिले में पद यात्रा निकाली। भिलाई में भी भिलाई जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा निकाली गई। पद यात्रा के दौरान भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि हर भारतीय इस बात को समझता है कि पिछले समय में कितना धोखा केंद्र की सरकार ने लोगों के साथ, युवाओं के साथ किया है। भारत जोड़ो यात्रा की व्यापकता को भारतीय जनता पार्टी न पहले समझ पाई थी, न आगे आने वाले भविष्य में समझ पाएगी। देखिए, ऐसा है कि हर भारतीय इस बात को समझता है कि पिछले समय में कितना धोखा केंद्र की सरकार ने लोगों के साथ किया है, युवाओं के साथ किया है, किसानों के साथ किया है। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? ये जो 2 करोड़ सालाना जॉब, उसकी मांग को लेकर भारत जोड़ो यात्रा थी। ये जो धर्म निरपेक्षता की बात कहते हैं उसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा थी। ये जो किसान हमारे अपने जो मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे थे उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा थी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा की व्यापकता को ना भारतीय जनता पार्टी पहले समझ पाई है, ना आज समझ पाएगी, ना आने वाले भविष्य में समझ पाएगी, क्योंकि उसका वो दृष्टिकोण ही नहीं है। दृष्टिकोण जो जनता का है, जो भारत के संविधान का है, जो भारत के हर एक आदमी की आवाज़ है, जो हर एक व्यक्ति की आवाज़ है, उस व्यक्ति की आवाज़ भारत जोड़ो में दिखती है। और ये समानता, प्रभुता, आपसी प्रेम व्यवहार, सद्भाव और प्रगति के लिए यात्रा की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि कर्नाटका से यात्रा निकली, आप जानेंगे कि जिस जिस जगह से ये यात्रा गई है उस सब जगह पर कांग्रेस बहुत मजबूती से जीत के आई है और जनता में कांग्रेस को लेकर समर्थन। विधायक देवेंद्र यादव द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता KS चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वे लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जिनको भारत से परहेज है, जो कैबिनेट की मीटिंग के बगैर ही भारत पाकिस्तान की सीमाओं को तय करके आए थे, क्योंकि उनको सिर्फ भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था। हम वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जिनको भारत के नाम से परहेज है, और वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जो कैबिनेट मीटिंग के बगैर ही भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को डिसाइड करके आ गए थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनको पहला प्रधानमंत्री बनना था, जो कि गांधी जी को भी नहीं बताया गया था। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जो वर्ग से वर्ग को अलग करते हैं और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। 2014 में 153 जो प्रॉपर्टीज थी वो वक्त रिपोर्ट को दे के आ गए थे, कब? जब सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे बचे हुए थे आचार संहिता लगने में, तब मनमोहन सिंह जी ने साइन किया था। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। अरे, भारत को जोड़ना है तो ये देखिए कि भारत विश्व के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे अलग अलग प्रधानमंत्री, अलग अलग जो अलग अलग देश की जो प्रधानमंत्री हैं, वो कैसे आके हमारे भारत के साथ जोड़ते हैं और कैसे हमारे कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, कैसे हमारे कल्चर के साथ सहभागिता करते हैं।
इसको बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा। आपको तो भारत के नाम से परहेज है, आप खुद धर्म निरपेक्षता की बात करते हैं, धर्म निरपेक्षता वाला ऐसा कौन सा काम किया है सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति की है, और आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दिखावा है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब चीजें की गई हैं, और भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। दुर्ग में दिगंबर जैन पंचायत ने की विश्व के कल्याणार्थ पहल, 14 महामंत्र के सामूहिक जाप व महायंत्र का आयोजन। श्री दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग ने विश्व के कल्याणार्थ विशेष धार्मिक पहल करते हुए जैन समाज के प्रमुख मंत्र नमोकार महामंत्र के 125,000 सामूहिक जाप अनुष्ठान का 14 सितंबर से 16 सितंबर तक और विश्व शांति महायज्ञ का 17 सितंबर को पूरे विधि विधान के साथ किया जा रहा है। इस तरह का धार्मिक आयोजन दुर्ग शहर में पहली बार हो रहा है, जो आरिका रत्न 105 सौभाग्यमती माता जी के सानिध्य में संपन्न होगा। गौरतलब है कि प्रेस वार्ता में आरिका रत्न 105 सौभाग्यमती माता जी ने मीडिया को बताया कि पृथ्वी का कण कण हमें त्याग करने का संदेश देता है, त्याग करने से सुख मिलता है, मृत्यु के पहले त्याग करने वाला व्यक्ति बैरागी होता है, त्याग का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, जितना हम त्याग करेंगे उतनी अधिक हमें सफलता मिलेगी। साथ ही श्री दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग के अध्यक्ष ज्ञानचंद पाटनी और मंत्री चातुर्मास के संयोजक संदीप लुहाड़िया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि यह महत्वपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम दिगंबर जैन मंदिर बनियापारा दुर्ग में संपादित होगा। नमोकार महामंत्र के जप और विश्व शांति महायज्ञ में प्रदेश भर से जैन समाज के श्रद्धालु हजारों की संख्या में शामिल होंगे। फलस्वरूप आयोजन की भव्य तैयारी छतरपुर से आए बाल ब्रह्मचारी पंकज शास्त्री के निर्देशन में अंतिम चरण में है। यहाँ पर दुर्ग नगरी, जिसको धर्म नगरी के माध्यम से हम जानते हैं, जहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ पर चतुर्मास साधु संतों के प्रतिवर्ष होते हैं, उसी श्रृंखला में यहाँ पर यह नमोकार महामंत्र जी का 125,000 जाप, हम यदि प्रतिदिन जाप करते हैं, माला फेरते हैं, तो 108 मोती की माला से 108 बार नमोकार मंत्र जपते हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पर अनुष्ठान हो रहा है वो एक माला नहीं, एक मंत्र नहीं, बल्कि 125,000 मंत्रों का जाप यहाँ पर किया जाने वाला है, जो सिर्फ इस समाज के लिए ही शांति नहीं बल्कि विश्व शांति और विश्व कल्याण की भावना को लेकर के यह अनुष्ठान किया जा रहा है। और इस अनुष्ठान में सिर्फ दुर्ग के नहीं बल्कि दुर्ग के, छत्तीसगढ़ के आसपास के और आसपास के अलावा अन्य अन्य राज्यों से, अन्य अन्य क्षेत्रों से यहाँ पर उस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे, और यहाँ पर एक इतिहास में पहली बार, दुर्ग के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर एक साथ, अभी तक हम एक मंडल को मार करके उस पर विधान करते थे, पूजन करते थे, लेकिन यहाँ पर 35 मंडल मारे जाएंगे, 35 सौधर्म इंद्रों के द्वारा, 35 सौधर्म और 35 सौधर्म इंद्राणी कपल के द्वारा, और पूरे सिंगल में बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर मिलकर के इस महामंत्र जाप के अनुष्ठान की पूर्ण आहुति करेंगे, यहाँ पर महायज्ञ किया जाएगा। कहते हैं कि जो हम महायज्ञ करते हैं, हवन जिसको हम बोल सकते हैं कि हवन करते हैं, उस हवन में जो हम मंत्रों के द्वारा आहुति करते हैं, जो मंत्रों के द्वारा आहुति की जाती है, उससे जो धुआं निकलता है, वो धुआं हवा के माध्यम से जहाँ जहाँ तक जाता है, वहाँ वहाँ के जीवों को उस मंत्र का प्रभाव, उस मंत्र की शक्ति का प्रभाव, और वहाँ वहाँ के जीवों को सुख शांति और समृद्धि का अनुभव प्राप्त होता है। इस भावना को लेकर के यहाँ पर ये भव्य नमोकार महामंत्र जी का अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें देश कोट भी रहेगा, सभी लोग सात्विक एकदम शुद्धता के साथ, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध विचारों के साथ और शरीर की पवित्रता के साथ, एकदम शुद्धि और विशुद्धि के साथ यहाँ पर एक लय से, एक साथ मिलकर के भक्ति और संगीत के साथ जाप आराधना करेंगे। और मैं यही कहूँगी कि जितने भी लोग इस नीच को सुने, समाचार को प्राप्त करें, वो लोग भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर के पुण्य का अर्जन करें, धर्म का अर्जन करें। पूरी दुर्ग समाज और हमारी पूरी कमेटी, श्रीमान श्री अध्यक्ष जी, हमारे ज्ञानचंद जी, पाटनी जी,
हमारे संदीप जी लोहाड़िया जो कि संयोजक हैं, जो बहुत ही ऊर्जावान और पूरी कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से सजाने का जो प्रयास करते हैं, ऐसे हमारे महेंद्र जी और हमारे मनीष जी बड़जात्या जी और बाकी हमारे विमल जी बड़जात्या दादाजी और पूरे समाज के कमेटी के सभी लोग इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से सजाने का, बहुत अच्छी व्यवस्थाओं को देने का प्रयास कर रहे हैं। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप सब लोग यहाँ पर आए और आप सब लोगों ने पत्रकारिता के माध्यम से जो इस बात को पूरे जन जन तक इस मीडिया के माध्यम से फैलाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे, निश्चित है आप सब लोग भी इस पुण्य के भागी बनेंगे। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।